हेलो यूट्यूब, दिस इज शुभम अग्रवाल एंड यू आर वॉचिंग साइबर बाबा। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स को लेकर, बिकॉज ये वेबसाइट्स एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सो यहाँ पर हमारी जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट है वह है पीडीएफ ड्राइव। तो यार, यह भी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ऑसम वेबसाइट है, क्योंकि इस वेबसाइट का यूज़ करके आप फ्री में पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारी कैटेगरीज भी मिलती हैं, जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग, हिस्ट्री, फाइनेंस, एजुकेशन। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ टेक्नोलॉजी को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ई बुक्स आ चुकी हैं, जिसे आप वन क्लिक कर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा एनालिसिस विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीएचपी, माइस्क्यूएल, जावास्क्रिप्ट, HTML5, इसी तरह से वेब डिजाइनिंग विद HTML, सर्टिफाइड एथिकल हैकर वर्जन 8। तो यार, इसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी पीडीएफ्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पर, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है सुपर कुक। तो यार, जैसा कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, यह रेसिपी की वेबसाइट है। एक्चुअल में रेसिपीज की वेबसाइट होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ा सर्च इंजन भी है। अब इस वेबसाइट को सजेस्ट करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वह यह है कि यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज मिलती हैं, और इन कैटेगरीज के हिसाब से आप रेसिपीज को फाइंड कर सकते हैं। आप यह चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैटेगरीज पर हम किस किस रेसिपी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ डेयरी प्रोडक्ट को, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ बटर, मिल्क और क्रीम को, और हम इसे सर्च करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन मेक 21 रेसिपीज, दैट मीन वाटर, क्रीम और मिल्क को यूज़ करके हम 21 रेसिपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो यार, इसी तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारी और बहुत ही ज़्यादा एडवांस कैटेगरी मिलती हैं। तो अगर आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर यूज़ करें। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है इमेज फ्लिप। तो यार, यह भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, बट मैक्सिमम यूजर्स के लिए यह वेबसाइट यूजलेस है, क्योंकि इस वेबसाइट का यूज़ करके आप जिफ इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, आप मीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखा होगा कि बहुत सारी इमेजेस होती हैं, और उन इमेजेस में कुछ कस्टम टेक्स्ट ऐड होते हैं। तो यार, यह सब जो टेक्स्ट होते हैं वो आप इस वेबसाइट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इमेजेस को सिलेक्ट करना है, जिसमें आप अपने किसी भी कस्टम टेक्स्ट को आसानी से ऐड कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पर। तो अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को हैंडल करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वेबसाइट को जरूर यूज़ करें। इसके बाद इस लिस्ट में हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है क्लिपिंग मैजिक। तो यार, जैसा कि आपको इंटरफेस से ही दिख रहा है, इस वेबसाइट को यूज़ करके आप अपनी किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। सिंपली आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपनी गैलरी द्वारा इमेज को ब्राउज कर सकते हैं। तो यार, यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, और आपके वर्क के हिसाब से बहुत ही यूजफुल वेबसाइट भी है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है 10 मिनट मील। तो यार, यह भी बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, क्योंकि इस वेबसाइट का यूज़ करके आप एक टेम्प्रेरी ईमेल पा सकते हैं। अब बहुत सारी साइट्स ऐसी भी होती है जहाँ पर आपको साइन इन करना होता है, बट वहाँ पर आप अपने ओरिजिनल ईमेल को यूज़ करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल ईमेल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको इनबॉक्स में स्पैम मैसेजेस मिलते हैं, जिससे आपका इनबॉक्स फुल होता है और बहुत सारे अनवांटेड मैसेजेस आते रहते हैं आपको। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना चाहते हैं, आप उसमें अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से एक टेम्प्रेरी ईमेल आईडी ले सकते हैं जो कि 10 मिनट तक वैलिड होगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है 10 फास्ट फिंगर। तो यार, यह वेबसाइट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पर यूज़ करें। अब इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वर्ड्स दिए गए हैं, जिसको आपको टाइप करना होता है 1 मिनट के अंदर, और लास्ट में आपको एक ओवरऑल टाइम मिलता है, जिससे आप यह चेक कर सकते हैं कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वह कितने वर्ड पर मिनट है। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है ड्यूलिंगो। तो यार, यह वेबसाइट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वेबसाइट का यूज़ करके आप किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, वो भी अपनी लैंग्वेज से। जैसे कि यहाँ से हम इसे स्टार्टेड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारी लैंग्वेजेस शो हो रही हैं, जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, इंग्लिश। तो अगर आप इन लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इसे आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। अब आपको यह सेलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज के थ्रू उस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ हिंदी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक इंटरफेस आ चुका है। अब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ही छोटे छोटे टास्क मिलते हैं, जिसे आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से होती है, बट धीरे धीरे आपको इस प्लेटफॉर्म पर एडवांस टॉपिक्स भी मिलते हैं। तो यार, अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आप ड्यूलिंगो प्लेटफॉर्म को ज़रूर यूज़ करें।
इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है चीटोग्राफी। तो यार जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ चीट्स मिलेंगी, बट यह वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है आप सभी यूजर्स के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको हेल्पफुल चीट्स मिलती हैं। सिंपली आप इसे स्क्रॉल करें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ कैटेगरीज भी मिलती हैं, जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ वेब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं CSS2 चीट सीट। तो यार इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस, बहुत सारी कैटेगरीज और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हेल्पफुल चीट्स मिलती हैं, इसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वेबसाइट है वह है IFTTT, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं इफ दिस देन दैट। यार यह वेबसाइट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वेबसाइट पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। अब इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर आप एक ब्लॉगर हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कम समय में मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है वह कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको एप्लेट्स क्रिएट करने होते हैं। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, जैसे कि मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है, तो अगर मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ को फेसबुक पर भी शेयर करना चाहता हूँ, उसे अपने ब्लॉग पर भी शेयर करना चाहता हूँ, उसे अपने ट्विटर पर भी शेयर करना चाहता हूँ, उसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर भी शेयर करना चाहता हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर मैं अपने उस वीडियो को शेयर करना चाहता हूँ, बट मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर उस वीडियो को शेयर करूँगा तो ऐसा करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बट इस प्लेटफॉर्म पर आपको क्या करना होता है कि आपको कुछ एप्लेट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एप्लेट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यूट्यूब से रिलेटेड एप्लेट्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर योर न्यू वीडियो टू ब्लॉगर, मतलब जैसे ही आप YouTube पर वीडियोस को अपलोड करेंगे और वह ऑटोमेटिक वह वीडियो ब्लॉगर पर शेयर होगा। तो इस तरह से आपको एप्लेट क्रिएट करने होते हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो वेबसाइट है वह है टैबलेट वाइज। तो यार मेरे हिसाब से सभी यूजर्स के लिए वेबसाइट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस वेबसाइट को यूज़ करके आप किसी भी मेडिसिन को फाइंड कर सकते हैं, आप उसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं किसी टैबलेट को सर्च करता हूँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है वह होता है लैंग्वेजेस। तो यहाँ से आप अपनी किसी भी लैंग्वेज में मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ हिंदी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको उस टैबलेट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, कैसे आपको उस टैबलेट को यूज़ करना है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके उपयोग हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आप यह भी चेक कर सकते हैं कि उस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। तो यार यह वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वेबसाइट को ज़रूर बुकमार्क करें। सो फ्रेंड, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।